नमस्कार, औश की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आज इस श्रृंखला में हम कुछ नई बात जोड़ रहे हैं। हम केवल ऐतिहासिक घटनाओं को ही आपके सामने नहीं ला रहे हैं, या इतिहास में जो व्यक्तित्व हुए हैं उनके बारे में ही आपके सामने नहीं ला रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ एक ऐसी बात सामने ला रहे हैं जो आपको प्रेरित करके शायद आपको भी एक इतिहासकार बनाए, आपकी भी इस बात में जागृति हो कि मुझे अपने इलाके का इतिहास जानना चाहिए, या जो मेरे व्यक्तित्व रहे, जो मेरे क्रांतिकारी रहे, उनका इतिहास जानना चाहिए। और इसके लिए इस श्रृंखला में हम कुछ ऐसे व्यक्तित्वों से आपका परिचय करा रहे हैं जिन लोगों ने अपना जीवन, अपने सारे संसाधन तक लगा दिए हमारे क्रांतिकारियों के बारे में, हमारे ऐसे व्यक्तित्वों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, और वो जानकारी हासिल करके उसको जनता के बीच में ले जाने के लिए, और इसके साथ साथ उन व्यक्तित्वों को जिसको कि आज अमृत महोत्सव के समय पे अनसंग हीरोज कहा जा रहा है, या जिनके इतिहास को दबा दिया गया, या जिनके इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया, या जिनके इतिहास को किन्हीं कारणवश किसी समय की सरकारों ने जनता के सामने सही रूप से आने नहीं दिया। तो इसलिए ऐसे व्यक्तित्वों से बात करते करते मैं सबसे पहले आपका परिचय करा रहा हूँ सुपर्णो सतपति जी से। सुपर्णो सतपति जी, आपको याद होगा, एक ऐसा व्यक्तित्व भारत के इतिहास में जो उड़ीसा की चीफ मिनिस्टर थी, नंदिनी सतपति जी, उनके परिवार से हैं, उनके ग्रैंडसन हैं। और उनसे तो मैं ये तक पूछूंगा कि नंदिनी सतपति जी ने भी उस समय हमारे उन व्यक्तित्वों के और उन घटनाओं के लिए क्या क्या प्रयास किए थे कि उनका इतिहास सामने आ सके, और कैसे सुपर्णो जी ने उस चीज़ को आगे रखा, कैसे उनकी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। और इसी के साथ साथ इसी श्रृंखला में मैं उसके बाद दूसरा व्यक्तित्व आपके सामने लाएंगे, अनुज धर जी को, जिन्होंने कि अपना जीवन नेताजी के ऊपर शोध करते हुए बिता रहे हैं और आज भी संलग्न है उसके अंदर। तो नमस्कार सुपर्णो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो युवा पीढ़ी हम लोगों की हमारी चैनल की तरफ, हमारे संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अनअर्थिंग सप्रेस रियलिटीज़ ऑफ हिंदुस्तानी हिस्ट्री की तरफ इस उद्देश्य से देखते हैं कि इतिहास का कुछ नई चीज़ सामने आ सके, तो उसमें आपका स्वागत है। और मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि ये तो हम सब जानते हैं कि आप एक राजनीतिक परिवार में आए, और नंदी सतपति जी ने खुद, जबकि मेरे ख्याल वो 11 वर्ष की थी या 10 वर्ष की थी, 8 साल की थी जब उन्होंने कलेक्ट्रेट के ऊपर झंडे के ऊपर चढ़ करके 1939 में, समझिए आप, यूनियन जैक को नीचे उतार के और तिरंगा फहरा दिया था जी। और जब नीचे उतार के आई थी तो इस 8 वर्षीय बच्ची के ऊपर किस तरीके से अंग्रेजी पुलिस ने उस समय की थे, तो हमारे ये लोग, लेकिन अंग्रेजों की जो चाकरी कर रहे थे उन्होंने किस तरीके से उनके ऊपर लाठी बरसाई थी और वो किया था, तो ये तो बहुत ही मतलब कमाल की चीज़ है कि एक 8 साल की बच्ची ने किस तरीके से वो किया था। तो उस परिवार से आप आते हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बचपन से ही आपका एक वो संबंध तो रहा ही है राष्ट्रवाद और इन सब बातों के साथ में, लेकिन फिर भी हम आपकी जुबान से सुनना चाहेंगे कि आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ नेताजी में और इस सारी चीज़ों की। जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इतना अच्छा आपने एक संस्था बनाया है जो ऐसे चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रहा है, जो जिसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अनसंग हीरोज़ के ऊपर। हमारे उड़ीसा में बहुत सारे ऐसे अनसंग हीरोज़ हैं, खाली उड़ीसा में नहीं, इस पूरे देश में हर कोने में बहुत सारे अनसंग हीरोज़ हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा इंडिपेंडेंस का नैरेटिव रहा है बहुत सालों से, वो एक सेंट्रिक बन के रह गया था, और वो सेंट्रिक बनने की वजह से सबको ये लगता है कि भाई एक दो जने, तीन चार जनों ने, इन्होंने ही हमारी देश को आज़ादी दिलाई, लेकिन या एक पॉलिटिकल पार्टी ने ये पॉलिटिकल पार्टी उस टाइम नहीं थी, उस टाइम एक सोच था।
और खैर सारे जुड़े थे, सबका योगदान महत्वपूर्ण था, ईच एंड एवरी। लेकिन जो छोटे छोटे किस्से हैं हमारे देश के, जिनको मेन नैरेटिव में नहीं लाया जाता है, आपकी संस्था उनके ऊपर रिसर्च कर रही है, उनके बारे में बाहर लेके आ रही है, उस हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ उसको पुट अप कर रही है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं आप। आपके लिए, आपको इसके लिए धन्यवाद बड़ा छोटा शब्द रहेगा हमारे देश की तरफ से। दूसरा चीज, इस देश में मेरा पर्सनल मानना है, और जिन लोगों ने इस देश का इतिहास पढ़ा है, देखा है, रीड किया है, ये सबको मालूम होना चाहिए, जो बहुत हश हश तरीके से रोक दिया गया है, दबा दिया गया है, कि अगर इस देश को आज़ादी मिली तो उसका सबसे एक नंबर या सबसे जो महत्वपूर्ण स्टेप था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का था। सबका योगदान था, ऐसा नहीं कि एक जने का हुआ था, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन सबसे मैक्सिमम इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशन जिनका रहा था वो सुभाष चंद्र बोस जी का था। और मैं उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता हूँ और उस जगह से आता हूँ जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, कटक से। नाउ हम लोग सिर्फ जन्म को बड़ा छोटे तरीके से मानते हैं कि भाई फलाना कहीं पे थे उनके पेरेंट्स और वहाँ पैदा हो गए, लेकिन जन्म का मतलब ये नहीं होता है कि बायोलॉजिकली जन्म होना। जन्म का मतलब ये होता है कि आपकी सोच धारा किस जगह पे, आपकी सोच धारा, आपका आइडियोलॉजी, आपका थिंकिंग प्रोसेस कहाँ पे आपका जन्म हुआ था। सो इसका एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है और विकसित कैसे हुई, और इसका बहुत बड़ा बैकग्राउंड है कि उड़ीसा एक ऐसी जगह है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि जो मेन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जिसको कहते हैं, तो हमारे पाइको विद्रोह हुआ था जो 1917 में हुआ था, सॉरी 1817 में हुआ था। उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन अब ग्रेजुअली जो नया रूलिंग डिस्पेंसेशन है वो उसके ऊपर स्रोत कर रहे हैं, उसके ऊपर डिटेल्स आगे लेके आ रहे हैं। और इंसिडेंटली कोइंसिडेंटली जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी जी, उनका जो लास्ट मीटिंग था वो पाइको विद्रोह का 200 ईयर का सेलिब्रेशन का उनका लास्ट पब्लिक मीटिंग था उनका, तो ही वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ दैट। उस सोच धारा से जो निकले हैं, और बेनी प्रसाद जी जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बेनी प्रसाद जी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के टीचर थे, प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, वो इंस्पिरेशन लेके आए और ये देशभक्ति और आज़ादी और ब्रिटिश रूल से हमको फ्रीडम कैसे मिले, उस थॉट प्रोसेस की वजह से नेताजी बोस का जन्म हुआ था। और उसी प्रोसेस में भगवती चरण पाणिग्रही जी थे, नंदिनी सतपथी जी थे, और इन लोगों का एक कॉमन टीचर थे इन डिफरेंट एजेस डिफरेंट टाइम्स, लेकिन इनके कॉमन टीचर बेनी प्रसाद दास थे, ये बहुत कम लोगों को पता है। और इसकी वजह से हमारा अटैचमेंट जो श्रीमती नंदिनी सतपथी मेमोरियल ट्रस्ट है, उसका अटैचमेंट इस मूवमेंट के साथ, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे देश के अंदर हैं, देश के बाहर हैं, जो असलियत को बाहर लाना चाहते हैं, जिनकी वजह से ये देश आज़ाद हुआ, उस चीज़ को आगे लाना चाहते हैं, तो हम उनके साथ जुड़ के इस मूवमेंट के साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। और बहुत कम लोगों को ये भी पता होगा कि जो हम आज की रेट में सुनते हैं डी क्लासीफाइड फाइल्स हैं, जो नरेंद्र मोदी जी ने डी क्लासीफाई किए फाइल्स, इसका सबसे पहला जो सबसे पहला जो पॉइंट उठाया गया था राज्यसभा में, वो नंदिनी सतपथी जी ने उठाया था 1964 में, कि इन फाइलों को डीक्लासिफाई करके असलियत को बाहर लेके आना चाहिए। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। नंदिनी सतपथी जी 1966 में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनी, 1968 में वो मिनिस्टर अटैच टू प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा जी के कैबिनेट में मिनिस्टर अटैच टू प्राइम मिनिस्टर थी, और सबसे पहली बार 1968 में आज़ाद हिंद सरकार का 25वां साल
सिल्वर जुबली मनाया गया था और उसके लिए एक स्टैम्प जारी किया गया था और एक छोटा मेमोरियल मोयरांग एक जगह है जो बहुत कम लोगों को पता है कि मोयरांग वो जगह है जहां पे इस देश की लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। उसके बाद म्यूटिनीज हुए थे लेकिन लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वो जगह थी जहां पे आजाद हिंद फौज ने पहली बार ब्रिटिश आर्मी को हराया था 14th of April 1944 में। बहुत कम लोगों को इस देश के देश में मेन लैंड इंडिया में बहुत कम लोगों को पता है। कर्नल मलिक ने फैलाया वहां पे। यस यस। और उस जगह पे एक मेमोरियल इंस्टॉल किया गया था, उसके पीछे नंदिनी सतपथी जी का बहुत बड़ा योगदान था। और 1968 वो साल है दुर्भाग्यपूर्ण कि आईएनए के जितने वॉर वेटरन्स थे इनको फ्रीडम फाइटर्स का मान्यता भी नहीं दिया गया था। कहने के लिए 1947 में हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था ब्रिटिश राज से, लेकिन टिल 1968 21 साल तक किसी भी आईएनए के जो वॉर वेटरन्स थे, जो आईएनए के जो आर्मी में थे, उनको इंडिपेंडेंस मतलब फ्रीडम फाइटर का दर्जा नहीं मिला था। ये 1968 में हुआ था, उसके पीछे भी नंदिनी जी का योगदान रहा है और बहुत कम लोग जानते हैं। मैं खैर इस बारे में नहीं बात करना चाहूँगा क्योंकि ये धीरे धीरे बाहर आ रहा है। और कुछ आप मेरे को पूछना चाहेंगे? मैं ये जानना चाहूँगा कि नंदिनी जी का भी जो नेताजी के लिए एक भाव था आदर का और आईएनए के इन चीज़ों को करने का, तो उसके पीछे नंदिनी सतपथी जी ने आपने कभी शेयर किया या आपको याद है कि उनकी क्या सोच रही कि क्यों वो ये कर रही? नंदिनी जी, जैसे आपने थोड़ी देर पहले उल्लेख किया कि नंदिनी जी ने, आपने बताया थोड़ी देर पहले कि नंदिनी जी ने 8 साल की उम्र में कटक कलेक्ट्रेट, उस टाइम ब्रिटिश राज में था 1939 में, कटक कलेक्ट्रेट के ऊपर चढ़ गई थी और यूनियन जैक को निकाल के तिरंगा झंडा वहाँ पर लगाया था। ये उनकी अपनी सोच नहीं थी, एक 8 साल की बच्ची का सोच नहीं होता है। इसके पीछे उनके आइडियोलॉग जो उनके जो आइडियोलॉजी था वो भगवती चरण पाणिग्रही जी का था। भगवती पर चरण पाणिग्रही जी वो हैं जो नेताजी के बहुत निकटतम थे, दो ही वॉज मच यंगर टू नेताजी। और बहुत कम लोगों की, जैसे नेताजी का डेथ मिस्ट्री है, भगवती चरण पाणिग्रही जी को ब्रिटिश पुलिस ने अरेस्ट किया था 1943 में और 23rd of October 1943 में उनकी डेड बॉडी उनके परिवार को वापस कर दी गई थी। आप डेट को ज़रा दोबारा से मैं एम्फोसाइज करूँगा, 23rd of October 1943 को उनकी डेड बॉडी को वापस कर दिया गया था और बोला गया था कि उनकी डेथ अननोन रीजंस की वजह से, इलनेस की वजह से हुआ था। और ये दो दिन बाद की डेट है 21 अक्टूबर की, जब आजाद हिंद सरकार की घोषणा हो चुकी है जी 1943 में। जी जी। और जो उनको डेड बॉडी वापस करी गई तो उसके नखून उनके और सारे नखून पुल किए गए थे, उनकी पूरी बॉडी पे टॉर्चर का मार्क्स थे। हमारे पास आज के रेट में भी फोटोग्राफ है, जबकि काफ़ी पुरानी फोटो है लेकिन मालूम पड़ता है उसमें, और ये रिकॉर्डेड है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश कलेक्टर थे, ब्रिटिश पुलिस थे, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अननोन रीजंस लिखा गया है और ये डेथ मिस्ट्री आज की रेट में भी है। मिस्ट्री क्या होगा, बड़ी हास्यास्पद बात है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अननोन रीजन ये लिखा जा रहा है, तो स्पष्ट है कि डॉक्टर अपने आप को बचाने के लिए कि अंग्रेजों का दबाव है, टॉर्चर नहीं लिख रहा, तो वो ये लिख रहा है कि भाई अज्ञात कारणों से इनकी डेथ, क्योंकि डेथ का कोई अज्ञात कारण थोड़ा होता, कोई बीमारी थोड़ा हुई थी उनको कि कोई अज्ञात बीमारी हो गई हो, या उस जमाने में कोविड हो गया हो या स्पेनिश फ्लू हो गया उस जमाने के अंदर। और जब साफ उनके नाखून और वो सब दिखा रहे हैं तो ये साफ है कि उनका टॉर्चर करते हुए, प्रताड़ित करते हुए उनका डेथ हुआ उस पीरियड के अंदर। और मैं तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जब ये बताया तो मैं अपनी पुस्तक के अंदर इनका चित्र भी और इनका पूरा वर्णन कर पाया, भगत सिंह पाणिग्रही जी का। और दूसरा मुझे ये बताएं कि जो रानी थी दूसरी, रानी झांसी रेजिमेंट की, पांड्या, लक्ष्मी पांडा, उनके बारे में कुछ बताएं। जी, लक्ष्मी पांडा जी से हम लोग मिले थे कुछ टाइम पहले और उनका एक स्टेटमेंट मेरे को बहुत, मतलब जोर से मेरे दिल में उस टाइम लगा था।
लक्ष्मी पंडा जी बहुत ही एक निम्न स्तर की बहुत ही गरीब लेडी थी, और उनका एक स्टेटमेंट था, वो आईएनए में आईएनए की मेंबर थी, और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर है वहाँ पे उनको अरेस्ट कर लिया गया था आफ्टर 45 हाँ जी 1944 में उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट ये था कि भाई हो सकता है कि मैं बंदूक पकड़ के किसी ब्रिटिशर को मैंने मारा नहीं, हो सकता है कि मैंने छुरी से किसी के गला नहीं काटा, लेकिन मैं आज़ाद हिंद सरकार के लिए काम करती थी और आज़ाद हिंद सरकार के लिए मैं खाना बनाती थी, तो मेरा योगदान इस देश को आज़ाद करने में कुछ कम है क्या? ये मेरे को उन्होंने प्रश्न एक टाइम पूछा था। अब शी इज़ नो मोर विद अस इन बॉडी, बट जब मैं उनको मिला था तो ये मेरे जहन में बहुत ज़ोर का बैठा हुआ है कि हर इंसान जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने में कंट्रीब्यूट किया है, उस हर छोटी से छोटी कंट्रीब्यूशन का बहुत गुरुत्व है। और लक्ष्मी पंडा जी वॉज ए वेरी करेजियस लेडी, उनके बारे में 16 साल की उम्र थी जब ये आई थी जी, आजाद हिंद जी जी 15 साल की उनकी उम्र थी, माता पिता नहीं थे, डेथ हो चुकी थी जी, और उनको जब लेके गए थे तो उनको खैर बंदूक चलाना उनको अच्छी तरीके से आता था, फाइट करना, ह्यूमन फाइट करना उनको अच्छी तरीके से आता था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पूरे विश्व में एक रेजिमेंट जो सिर्फ औरतों का था, जिसको लीड भी औरत करती थी, लेडीज़ करती थी, ये आज तक नहीं हुआ था। ये सुभाष चंद्र बोस जी का एक, ही वॉज थिंकिंग वे बियॉन्ड यू नो इन टू द फ्यूचर, और आज के रेट में हमारे लड़कियों को, हमारे महिलाओं को कोर्ट केस करना पड़ रहा है कि इंडियन आर्मी में हमको कमांडिंग पोजीशन मिलनी चाहिए, लेकिन ये 1943 में ऑलरेडी सुभाष चंद्र बोस जी ये एक मिसाल दे चुके हैं। मैं बता दूं सतपति जी आपको कि इस रानी झांसी रेजिमेंट के बारे में बहुत तरीके की भ्रांतियां अंग्रेजों ने फैलाई, और मुझे अफसोस ये होता है कि अंग्रेजों ने ही नहीं, हमारे ही कुछ अपने लोगों ने उन भ्रांतियों को फैलावा दिया। और एक भ्रांति बहुत बड़ी ये फैलाई गई कि रानी झांसी रेजिमेंट कभी एक्शन में रही नहीं, इसने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। और मैं आज तक हैरान होता हूँ कि लक्ष्मी सहगल इस पे आगे क्यों नहीं बोली, और फिर बात समझ में आ जाती है, क्योंकि लक्ष्मी सहगल से कमांड ले लिया गया था और उन्हें वापस बर्मा हॉस्पिटल भेज दिया गया था रंगून के अंदर, तो इसलिए वो उन जगहों पे नहीं थी जहाँ पे ये हुए। और तीन इस तरीके के मुझे मिले, जनरल शाहनवाज की किताब से मिले, जहाँ वो कहते हैं कि एक जगह 8 घंटे तक इन्होंने जो है ब्रिटिश फोर्सेस को अपनी राइफल फायर से रोका रखा जब तक आज़ाद हिंद फौज के और सैनिक नहीं आ गए। दूसरी जगह वो लिखते हैं कि जगह पैरा ट्रूपर्स आए, उनसे इन्होंने फाइट किया। और तीसरा तो फिर वो जानकी थेवर की पूरी डायरी, और उसमें जो है कि वो किस तरीके से जब बर्मा से रिट्रीट हो रही है और जब ब्रिटिश गुरिल्ला इनके ऊपर हमला कर रहे हैं, उसमें 2 रानियों की शहीद भी होती हैं उसके अंदर, गोलियाँ चलती हैं, और कैसे जवाब देती हैं उन चीज़ों का लेकर के। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और मुझे लगता है कि लक्ष्मी पांडा जी को जो है अल्टीमेटली 2008 के करीब जा करके रिकॉग्नाइज किया गया उनके कंट्रीब्यूशन का, और उनको शायद फिर कुछ वो रहने का स्थान या कुछ ऐसी चीज़ दी गई, क्योंकि बहुत ही गरीबी का जीवन व्यतीत कर रही थी जी। हम उनके परिवार से जब नरेंद्र मोदी जी गए थे उड़ीसा गवर्नर हाउस में, तो उनके परिवार से हम लोगों ने एक छोटा फेलिसिटेशन किया था। अनफॉर्चुनेटली आज के रेट में भी उनको रिकग्नाइज ज़रूर किया गया, बाद में 2008 में उनको रिकग्नाइज किया था, लेकिन बाद में उनको थोड़ा पैसों की भी सहायता दी गई थी, लेकिन आज के रेट में भी उनका घर कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन ये एक सोच के ऊपर है, और जैसे आपने बोला कि हमारी महिलाओं ने कॉम्बैट किया था, ये सच्चाई है, और जब तक सारे लोग इसको ना जानें और सारे लोग इसके साथ ना जुड़ें, तो ये सच्चाई बाहर निकलनी बड़ी मुश्किल है। मेरा एक निवेदन और है सुपर्णो जी आपसे, कि उड़ीसा को लेकर के एक और अध्याय भी नेताजी के और आईएनए के साथ जुड़ा हुआ है, पानीग्रही और पांड्या तो है, कई और लोग भी हैं,
लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण अध्याय ये है कि सबमरीन के माध्यम से कोणार्क के समुद्र तट पे और चिल्का के समुद्र तट पे कई आजाद हिंद फौज के सैनिक जो आए, पवित्र मोहन रॉय भी, अमरीक सिंह गिल भी सब वहीं आए थे, और इन लोगों ने जाके भारत में अलग अलग जगहों पे, पुरी में सबसे पहले और फिर अलग जगहों पे जाकर के वो रेडियो स्टेशन इस्टेब्लिश किए, सारे कार्य किए। तो कुछ हम पे नाम भी मौजूद हैं उड़ीसा के अंदर भी, जब मुकदमे चले वो चले। तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि इस संदर्भ में अगर इन कोस्टल एरियाज में कोई बुजुर्ग मौजूद हैं या कोई ऐसे परिवार अभी भी मौजूद हैं चिल्का कोस्ट की तरफ या कोणार्क कोस्ट की तरफ या पुरी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसके बारे में हमें और जानकारी जुटा सके कि किस प्रकार से, क्योंकि उड़ीसा के लोगों ने काफ़ी मदद की थी इन सबमरीन से आए हुए मिशंस की, तो इस क्षेत्र में अगर आप थोड़ा प्रयास करें और कुछ इतिहास आप निकाल सकें तो एक बहुत बहुत बड़ा योगदान होगा, केवल उड़ीसा के वीरों का इतिहास ही सामने लाने के लिए नहीं, बल्कि एक आईएनए के जो पूरे स्पाइक मिशन और वो जो थे उनको ऊपर आगे, इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए। ज़रूर, एब्सोल्युटली, इसके ऊपर हम लोगों का काम जारी है, एक हमारी टीम भी जारी है SNSMT की तरफ से। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग बहुत बुज़ुर्ग हो चुके हैं और कुछ मेमोरी फेल होती है, कुछ लोगों का निधन हो चुका है, लेकिन हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिल रहे हैं धीरे धीरे जिससे डिटेल्स मिल सकती हैं। जैसे आपके किताब में, मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ा था, आपके किताब में आपने कर्नल रामा राव के बारे में लिखा है। उसमें कर्नल रामा राव जी वो थे जो नेताजी के साथ थे और उनको भुवनेश्वर की जेल में 1971 में भुवनेश्वर की जेल से उनको लाया गया था बेड़ियों में टू मीट द खोसला कमीशन। खोसला कमीशन के सामने जब उनको लेके आए थे तो वो बेड़ियों में लेके आए थे एज इफ ही वॉज ए हार्ड अर्न क्रिमिनल, वेयर एज ऐसा कुछ भी नहीं था, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं थे, उनके ऊपर कोई कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी नहीं है, लेकिन फॉर डेकेड्स टुगेदर उनको आंध्रा और उड़ीसा की जेलों में रखा गया था इलीगली। इसके पीछे भी नंदिनी जी का उस टाइम वो जब चीफ मिनिस्टर बनी तो ये सारे केसेस उनके ड्रॉप किए गए थे, बट उसके बाद जो उन केसेस के डिटेल्स हैं उड़ीसा गवर्नमेंट के पास वो डिटेल्स नहीं है। बड़े अचंभे वाली बात है कि हर चीज़ जो नेताजी के साथ इंक्लूडेड होती है वो गायब हो जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये हमारा प्रयास रहेगा और हम इसको छोड़ेंगे नहीं, ये ज़रूर देखेंगे। और क्योंकि मैं चाहूँगा कि रामचंद्र राव के बारे में भी, कर्नल के बारे में हो सकता है कुछ अखबारों की रिपोर्ट हो, या जब कोस्टला कमीशन के सामने जब वो आए वीडियो में उस समय के उड़िया अखबारों के अंदर शायद कोई रिपोर्ट हो, ऐसी चीज़ें मिले तो शायद हम इतिहास को बता सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुपर्णो जी आपका, और मुझे उम्मीद है और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि जैसे अलग अलग संगठन देश में काम कर रहे हैं, एक ऐसा समय आ गया है कि सारे संगठन और सारे व्यक्ति एक साथ जोड़ करके हाथ मिलाएं और नेताजी और भी जो हमारे क्रांतिकारी हैं उनके जो जीवन है उनको सामने लाने का प्रयास करें हमारी आज की युवा पीढ़ी के सामने। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।